गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, सेंटेंस में होता है वाक्य। वाक्य क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड रिटन इन अ सर्टन ऑर्डर दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिससे कोई वाक्य बनता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हम शब्दों के जो एक समूह होता है उनको जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं, और जिसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग निकलता है, कंप्लीट सेंस और ऑर्गन सही तरीके से उस वाक्य को जोड़कर बनाते हैं, उनको हम सेंटेंस कहते हैं। एवरी सेंटेंस दैट टेल समथिंग बिगिनिंग विथ अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। आप देखो, जैसे अपन देखते हैं अ ग्रुप ऑफ, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? अ से। अ कैसा है? कैपिटल। एवरी सेंटेंस, एवरी, ई कैसा है? कैपिटल। द क्लाउन, क्लाउन कैसा है? द कैसा है? कैपिटल। द कीटन, द मंकी, ये क्या है? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे क्लाउन क्लाइम द रोप, जोकर रस्सी पर चढ़ता है। द कीटन ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम द बाउल्स, कीटन बाउल में से दूध पी रही है, मंकी बनाना खा रहा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेटमेंट सेंटेंस एंड सेकंड होता है इंटरगेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट से समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जिस वाक्य से कोई जिस स्टेटमेंट निकलता है उसे हम अर्थ निकलता है उसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू आर रीडिंग अ बुक, मोहन्स मदर टीच इन अ स्कूल, द अर्थ मूव अराउंड द सन। जैसे आप यू आर रीडिंग बुक, आप रीडिंग लगा रहे हो बुक की, मोहन की मदर स्कूल में पढ़ाती हैं। द अर्थ मूव अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सन के चारों तरफ घूमती है। इन वाक्यों से कोई अर्थ निकल रहा है, कुछ मीनिंग बन रहा है, उसे हम स्टेटमेंट निकलता है उसे हम स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। और ध्यान रखिए, स्टेटमेंट सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड में फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप पे ही खत्म होता है। जैसे कोई सब यू आर रीडिंग अ बुक, यू कैसा है? कैपिटल, और लास्ट में क्या है? डॉट, यानी कि ये है फुल स्टॉप। अब आते हैं हम इंटरगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और इंटरगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस को हम इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वी यूज वेयर, हाउ, हु, व्हाई, व्हाट एज अ क्वेश्चन वर्ड इज बिगेनिंग इज दीज आर सेंटेंस। जो वाक्य क्यों, कहां, कैसे, कौन, इनसे शुरू होता है उसे हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वे आर टीचिंग दिस डे, तुम कहां पढ़ा रहे हो। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो। व्हाट इज द फादर, फादर क्या है। अब ये सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और सारे ही क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन वाक्य है, सेंटेंस है। तो ये वेयर लग गया तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं। जहाँ पूछने का वाक्य आता है, सेंटेंस आता है, उसके पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब समझ में आया, सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस एंड इंटरगेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है, फर्स्ट टाइम। सेकंड होता है क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस, जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लग के खत्म होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आप इसकी रीडिंग लगाइए, इसके आगे का हम कल करें।